नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मानसी। अब नजर डालते हैं बहराइच की बड़ी खबर। जनपद बहराइच में आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर शुक्रवार को क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में पुरुष महिला श्रद्धालुओं ने शिव को जलाभिषेक किया और प्रसाद ग्रहण किया। ग्राम सरबदी में धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली गई। बारात सरबदी से निकलकर पुरैना बाजार होते हुए पांडवकालीन शिव मंदिर अमृतनाथ पहुंची। भगवान शिव की बारात का काफिला 1 किलोमीटर की लंबाई में डीजे बैंड बाजा के साथ निकला। जगह जगह पर गांव और बाजारों के लोगों ने बारात का स्वागत। पुरैना बाजार में नवयुवक सेवा समिति के द्वारा जलपान और भोजन की व्यवस्था पूर्णेश्वर नाथ मंदिर पर की गई। शिव बारात को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रत्येक गली मोहल्लों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बारात का स्वागत किया। बारात के बाद स्थानीय पांडवकालीन अमृतनाथ में शिव पार्वती का विवाह हुआ। वहां के लोगों के द्वारा भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति दी गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर हीरालाल कन्नौजिया थाना प्रभारी विश्वेश्वरगंज पंकज कुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे। पूरे कार्यक्रम में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला, राहुल शुक्ला, नेवल किशोर पांडे, कार्यकर्ता और कई भक्तगण मौजूद रहे। पंडित जी, ये बताइए, आज यहाँ मंदिर पे शिवरात्रि का महापर्व है, यहाँ क्या क्या आयोजन आयोजित किया गया है आप लोगों के द्वारा? विगत वर्षों की भांति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन, माता पार्वती भगवान शिव का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और सुबह से ही लेकर अभी तक हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं, काफी लोग रुद्राभिषेक भी कर चुके हैं और जो तरह तरह की लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। और हम लोग यही आशा करते हैं कि हर वर्ष की भांति हमेशा विगत वर्ष ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। ये मंदिर पौराणिक है जी, कब के इसके बारे में कुछ बताएं? इसके बारे में तो हमारे किसी पुरखों को भी नहीं पता है, क्योंकि ये पांडुकालीन मंदिर है। और ये बताया जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान नकुल व सहदेव के द्वारा ये हमारे यहाँ जो अमृतेश्वर नाथ महादेव और शंभुनाथ महादेव हैं, इनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया था।